छोड़ दो अब। गाइस तो हमने लंच फिनिश कर लिया यहाँ पे, अब हम लोग निकलते हैं बेस कैंप के लिए, सांकरी बेस कैंप। तो चलो चलो देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है सांकरी बेस कैंप का। तो एवरीवन इज रेडी हियर, तो चलते हैं आगे। गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सांकरी बेस कैंप के लिए, तो कैंप को बाय बाय करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 1:38 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस बेस कैंप से सांकरी बेस कैंप के लिए। देखते हैं कब पहुंचते हैं आज। आई थिंक 2 घंटे में पहुंच जाएंगे नीचे, तो अराउंड 4 o'clock से पहले पहुंच जाना चाहिए हमें, अगर हमने ज़्यादा कोई ब्रेक ज़्यादा समय का ब्रेक नहीं लिया तो। गला बैठ गया इसका। ये सही है, ये सही है। और आदमी के पैर पे पैर रखो तो आवाज नहीं निकल, डायरेक्ट मारता है। मैं तो हाँ दिल्ली वाला होगा तो चलो गाइस टाइम पे पहुंचना है। ये नीचे से आता है और जो वैली के सबसे पीछे जो जा रहा है ना, वो एक छोटा सा पहाड़ है सामने सेंटर में, वो हरकीदून है। हरकीदून ट्रैक का तो नाम सुना होगा आपने, तो उसी के ऊपर तरफ जाओ, फिर जो पीक है ना उसके राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ना ब्लैक पीक और बंदर पूछ करके, ये तो हाँ वो वही है। ये पेड़ के पीछे आ रहे हो तो वैसे, और उसके और राइट पे जाओगे तो स्वर्गरोहिणी है। नहीं नहीं ये वो अभी दिखा नहीं, वहाँ पे आपको काला नाग दिखता है, वो अलग है, वो पीछे चला गया। यहाँ पे और एक पीक आता है, बाकी सब रेंजेस तो है उनके नाम तो अभी है। करते हुए जा रहे हैं पूरे रास्ते, कुछ लोग मजा ले रहे हैं कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। कमाल कर दिया भैया। नाम क्या आपका? विजय सिंह रावत। वाह वाह आप तो पॉपुलर हो जाओगे फिर। तो गाइस अभी भैया ने बहुत अच्छा बांसुरी बजाया, इनका ही शॉप है और यहाँ पे आपको मैगी ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा खाने को। तो जूरा तालाब से बस 200-300 मीटर नीचे है ये कैंप जहाँ पे इनका शॉप है और बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। तो अभी चलते हैं सांकरी बेस कैंप के लिए। स्लाइड करो नीचे जाओ यहाँ से भी कर सकते हो। अरे
फट जाएंगे। अरे यार ओहो, अरे आ जाओ, सेकेंड स्टॉपेज पॉइंट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे भी पहुँच गए, इतनी जल्दी यार। मेरा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है ना, इसको याद है ना आपको रुचि। अभी तो उतारने में तो बहुत इंजॉय आता है। तो गाइस चलते हैं अभी नीचे सांकरी बेस कैंप में, क्योंकि यहाँ पे कुछ खुला नहीं है, सब कुछ बंद है, तो हमें नीचे ही चलना पड़ेगा। यहाँ से दो घंटे मैक्सिमम 1 आवर और लगेंगे सांकरी बेस कैंप जाने में। लेट्स गो। यहाँ पे देखो कितनी शांत हवाएं चल रही हैं। और यहाँ से व्यूज देखो कितना अच्छा व्यूज है, खास करके ये ब्रिज। वाओ। तो फिर से फाइटिंग शुरू हो गई है, रुचि को टारगेट किया जा रहा है इस बार। दुश्मनों से रुचि को बचाया जा रहा है। हम फिर मिले कि ना मिले, इसीलिए आज दे दे। फिर रुचि मिले कि नहीं मिले, फिर बर्फ मिलेगा नहीं मिलेगा, अब आपको याद तो रहेगा। बर्फ वाली मार कैसे कहा रहेगा भाई? हाँ श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा ये भी लो, इसको भी मारो। वेरी गुड, मल्टीटास्किंग करो। जुप 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 जुप। एक साथ चार पांच देना। पता है आपको मारने से ज्यादा हमें ठंडा लग रहा है। थ्री सब इधर ही आया भाई, देखो हाथ कैसे। अरे ओए अमित तू हट गया यार। यक कमान मैं आपको नहीं कर रहा हूं। हाँ चलो चलेगा। मारो। इसने पास से मारा था। मेरे मुंह पे मारा? मैंने नहीं मारा, मैं अमित को मारा था ना, वो हट गया, आपको लग गया। एक मिनट। देखो अभी स्नो ट्रीज के टॉप पे सारे हटके पड़े हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से सामने का व्यू। और ये व्यू, यही तो जन्नत है। और हमारा बेस कैंप नीचे रहा सांकरी, हाफ एन आवर मोर लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और यहाँ से व्यू देखो तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है यार रास्ते में, इतने लंबे लंबे ट्रीज। तो जो लोग केदारकंठा का ट्रैक नहीं कर सकते वो मेरे वीडियो के थ्रू एंजॉय कर सकते हो। तो इस बार तो
अभी तक तो केदारकंठ का ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन मैंने आधी जो डिस्टेंस था वो तो कवर कर लिया था। और देखो ऐसे ट्रैक्स के लिए रूल होता है कि जब तक अगर आपको गाइड आपको अलाउ नहीं करे आगे जाने का आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि फिर बहुत रिस्की हो जाता है। तो हम लोग दोबारा आएंगे, दोबारा इस ट्रैक को करेंगे और पूरा भी करेंगे, क्योंकि हम नेचर के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते हैं, अपने लाइफ को रिस्क पे नहीं ले सकते हैं, और हम कोई प्रोफेशनल ट्रैकर्स नहीं हैं जो खुद भी रास्ता बना के जा सकते हैं। और वो रहा हमारा बेस कैंप, तो रेड वाला जो दिख रहा है वही हमारा गेस्ट हाउस है। तो आई थिंक 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। यहीं से हमने कल ट्रैक स्टार्ट किया था ऊपर पीक के लिए। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुंच गए हैं सांकरी में, और अभी टाइम हो रहा है 4:00। तो अराउंड 2 आवर्स लगा हमें पहुंचने में यहाँ, और आज का बस इतना ही था। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर मार्केट जाएंगे। अगर कल केदारकंठा नहीं गए तो यहीं पे कोई ट्रैक, छोटा सा ट्रैक करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि कल जिप लाइन भी करूँ अगर मौका मिलेगा तो। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।